हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम रात की बची हुई रोटी से टेस्टी स्नैक बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हम स्नैक बनाएंगे, छोटे से लेके बड़े तक इसे पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम ये रोटी को बारीक टुकड़े करके इसके मिक्सर में हम इसे बारीक कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसको मिक्सी में इसे बारीक कर लिया है। इसमें से हम थोड़ा सा साइड में निकालेंगे और अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी में आधी हरी मिर्च ली, आप अपने जितना आपको तीखा कम ज़्यादा लगता हो तो उसके अकॉर्डिंग आप मिर्ची ले सकते हैं। मैंने हरी मिर्च आधी ली है क्योंकि ये तीखी है। आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, चार पांच लहसुन का लिया लिया और जीरा लिया। तो ये हम मिक्सर में से निकाल के इसमें डालेंगे। अब मैं इसमें यहाँ पर मैंने एक बड़ा आलू लिया, उसे कद्दूकस कर लिया, तो मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पे हरा धनिया डालूंगी इसमें और एक प्याज मैंने इसे बारीक कट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं इसमें ये डालूंगी। और जो मैंने मसाला पीसा था वो भी डाल दूंगी, हरी मिर्च वाला। अब मैं इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन का आटा डालूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी यहाँ पे। और टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालूंगी। मसाले में हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसमें थोड़ा हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब इनको सभी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, आलू पानी छोड़ता है, तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अगर ये मिश्रण थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें और 2 चम्मच या 1 चम्मच बेसन का आटा डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से एक डो बना लेंगे इसका। इसमें हमें बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे, तब तक हम हमारा पैन गरम करने के लिए रखेंगे और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसकी हमें टिक्किया बनानी है। टिक्किया बनाने के लिए हम इस तरह से एक लोई लेंगे और इस तरह से इसका ये देखिए किस तरह से हम इसका टिक्किया बनाएंगे। टिक्किया बनाने के बाद ये जो हमने थोड़ा सा रोटी का जो चूरा वो साइड में रखा था इसके ऊपर हम इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा कोटिंग करेंगे इसकी। और इस तरह से हम सभी टिक्किया बना के साइड में रख देंगे। थोड़ा हाथों में पानी लगाएंगे हम। इस तरह से इसका राउंड शेप देंगे, थोड़ा सा इसे फ्लैट करेंगे हम यहाँ पे। और इसका हम कोटिंग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमें ये टिकिया सभी की बनानी है। यहाँ पे मैंने पैन को गैस पे रख दिया और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल डालूंगी। थोड़ा तेल गर्म होने के बाद ये जो हमारी टिक्की है इसमें रखेंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे हम इसकी। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो ये हम टिक्की इसमें रख देंगे इस तरह से और इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। और इन्हें क्रिस्पी होए तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम
लो कर देंगे और इन्हें हम इस तरह से ढक देंगे। अब इसे हम चेक करेंगे और इसे पलटी करेंगे हम। इसे वापस हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम चेक करेंगे। ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसे हम थोड़ा सा हम इसे और ब्राउन करेंगे और थोड़ा क्रिस्पी बन जाए इतना हम ब्राउन करेंगे इसे। तो हमारा गैस का फ्लेम लो ही है। देखिए अच्छे क्रिस्पी बन गए और अच्छे से हमारे सेक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी में हम दूसरा वाला रखेंगे, जो हमारे बाकी के पीस बचे हैं उसे रख देंगे। और इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए इस तरह से लो फ्लेम पर रख देंगे। सब पलट लेंगे। इस तरह से हमें इसके दोनों साइड चेक करनी है। तो ध्यान रहे, ये हल्के हाथों से इसे हमें पलटना है। और इसके दोनों साइड को हमें इस तरह से क्रिस्पी सेकना है। इसे आप ढक देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये बची हुई रोटी से आलू टिक्की तैयार है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची है। मैं आपको एक बार इस तरह से पता, देखिए ना आवाज़ आ रहा है इसका, ऊपर से क्रंची है और खाने में भी है एकदम। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।